आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सरिता दिल्ली से। आज मैं एक नए पौधे को लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप सबसे अपना अनुभव शेयर करूँगी। ना ना ना, गजानिया के बारे में नहीं, इसके बारे में तो शेयर कर लिया था। आज मैं इस पौधे के बारे में अनुभव अपना आपसे शेयर करने वाली हूँ। कहाँ से बीज लिया था, कैसे मिट्टी में लगाया था और कैसे इसे डिवाइड किया था, वो सारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, आप सबने वादा किया है इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। बीज लिया था दिल्ली कैंट में, नांगलोई फ्लाईओवर है, उसके नीचे एक ऑर्गेनिक शॉप है जो कि खाद वगैरह ऑर्गेनिक बेचते हैं और क्ले पॉट्स वगैरह बेचते हैं, वही एक दुकान है, वहीं से मैं लेती हूँ सारी चीज़ें। तो वहाँ से मैंने ये बीज का एक पैकेट लिया था, 60 रुपीज़ का उन्होंने पैकेट दिया था। इसमें उस पैकेट में मुश्किल से 20 या 22 बीज थे इसके, मैंने ला के लगा दिया था। सारे बीज 100% ये बीज निकल आए थे और मैंने उसे अलग अलग डिवाइड किया। अब बीज लगाने के लिए जो मिट्टी हमने तैयार की थी, उस मिट्टी में मैंने सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला करके बीज को लगाया था। उसके बाद जब 2-2.5 इंच का ये मेरा पौधा हो गया तो मैंने इसे अलग अलग गमलों में डिवाइड किया, बहुत सारे गमलों में डिवाइड किया था। और सोचा था कि पहली बार लगा रही हूँ तो ढेर सारे एक लाइन से जब इसके पौधे तैयार होंगे और फूल खिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा ये सपना सपना ही रह गया क्योंकि बहुत सारे हमारे पौधे को गिलहरियों ने खा लिया। बहुत मुश्किल से बमुश्किल मैं उसमें से ये 4 पौधे जो आपको यहाँ लाइन से दिख रहे हैं वो मैं बचा पाई, और एक पौधा और जो खा गई थी गिलहरी, छोटा सा उसका नीचे का पोर्शन रह गया था, उसे मैंने इस गमले में यूं ही बस लगा दिया था बहुत उदास मन से कि ये तो बचेगा नहीं। लेकिन ये पौधा भी देखिए कि बच गया और इसमें भी इतनी पत्तियां आ गई हैं, और ये इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत, बिल्कुल हरा हरा सा दिख रहा है ना। तो इन पौधों को मैंने लगाया, लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार की थी उसमें मैंने अपने मनपसंद जो मिट्टी मैं तैयार करती हूँ, फिर से आपको याद दिला देती हूँ और मिट्टी भी आपको साथ में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको गमले में ही दिखा देती हूँ, ये देखिए इसमें, और अब हाथ में लेकर के मैं इसे दिखा देती हूँ। आपको ये बता दूँ कि इस मिट्टी में ये जो तैयार किया है इसके लिए मील मैंने, इसमें मिट्टी का एक पोर्शन भी नहीं है, इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है, पैरालाइट है, कोकोपीट है, देखिए ज़्यादातर कोकोपीट है, और पत्तियों का खाद मैंने डाला था, नीम खली डाला था और बोन मील भी मैंने इसमें डाला था और फंजिसाइड। ये इतनी 5-6 चीज़ें मिला करके मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी, और हाँ मिट्टी तैयार नहीं की थी, इसका मील तैयार किया था, इसका खाना तैयार किया था और उसी में मैंने डिवाइड किया था। तो मिट्टी, जैसा कि मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि अब इन दिनों जो भी मैं पौधा लगा रही हूँ उसमें मिट्टी थोड़ा कम इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि छत पे मेरे बहुत ज़्यादा भार ना पड़े। पौधे लगा दिए और जिस दिन से इन पौधों को लगाया है उस दिन से मैंने इन सारे पौधों में एक रत्ती कोई और खाद नहीं डाला। शुरू में मैं पानी डाल रही थी इसमें ज़रूर, लेकिन उसके बाद मौसम थोड़ा यूं ही होने लग गया, शरद ऋतु आ गया और उसमें ठंडक इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बारिश भी होने लगी उन्हीं दिनों, और बारिश की वजह से इसे खुद ब खुद इस मिट्टी को पानी मिलने लग गया था। तो ये पौधे बढ़ता चला गया। इसे मैंने बस इतना ये किया था कि शुरू के दिनों में जब बीज लगाया था तब थोड़े से रोशनी में, लेकिन छाए में रखा था, सेमी शेड में रखा था। उसके बाद मैंने बिल्कुल इस जगह पे ला के इसे रखा जहाँ प्रॉपर धूप मिलती है, तो विटामिन की ज़रूरत है इस पौधे को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए धूप में ला करके मैंने रख दिया। यहीं ये पौधा बढ़ता चला गया है। जब से मैंने लगाया है तब से इसमें कोई खाद मैंने अभी तक नहीं डाला है। मुझे ये पता नहीं कि इन 5 पौधों में एक पौधा इतना ज़्यादा अच्छा हेल्दी होकर के इतना बड़ा निकल गया है, और ये तकरीबन अभी मैं देख रही हूँ कि 2.5 फिट का कम से कम ये पौधा हो गया है और इसमें फूल भी खिलने लगे हैं जो बहुत ही खूबसूरत से ये फूल है। बहुत सारे फूल हैं इसमें, बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कलियाँ भी बहुत हैं, और ये सारे पौधे अभी बढ़ने की कगार पे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी
इनमें भी फूल आ जाएंगे। तो बस मामूली सी 3-4 चीज़ों का ख्याल हर पौधे के साथ हमें रखना पड़ता है। बीज से लगाने के बाद या पौधा लगाने के बाद भी अगर नर्सरी से लाते हैं तो एक जो इसके मील तैयार करेंगे, इसका भोजन जिसमें पौधे को लगाएंगे वो थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें पानी प्रॉपर डालिए। जब पौधा मिट्टी जो है या मील है उसका सूखने लगे तो जब उसके पानी की ज़रूरत हो तो पानी डालिए। इस पौधे को आप धूप में रखिए और बस 3 चीज़ों का ख्याल रखिए आप। और बहुत ज़्यादा शीतलहर से आप बचा सकते थे, लेकिन इसी शीतलहर में मैंने यहाँ से बिल्कुल इस पौधे को हिलाया भी नहीं था और ये पौधा इतने खूबसूरती से बढ़ा है और ये फूल भी अब प्रोड्यूस कर रहा है। कुछ पौधे जो आसपास में इसके हैं जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं, जैसे हिबिस्कस का पौधा है और ये लिली है, फुटबॉल लिली का ये पौधा, ये सब थोड़ी इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। लेकिन जिन पौधों को पीला नहीं होना था, जैसे ये कैलेंडुला भी मैंने बीज से लगाया था, इसके बारे में मैं फिर आपसे और बात करूँगी। और कैलेंडुला इस बार मेरे गार्डन में बहुत सारा है। बस इतनी सी बात करनी थी इसी पौधे के बारे में। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो और मेरा अनुभव आपसे शेयर किया आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए चलते चलते मैं अपने रेनन्क्यूलस के इस फूल को भी दिखा देती हूँ, जो 4 पौधे हैं। और ये पौधा मैं नर्सरी से ला के मैंने लगाया था, बहुत सस्ता। कभी इसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगी। फिलहाल तो इन फूलों को भी हम प्यार से देखते हैं, निहारते हैं और प्यार कर लेते हैं। और इसी प्यार के साथ मैं अपने साथियों से कहती हूँ कि आप सब अपना खूब ख्याल रखिए, अपने बागीचे का खूब ख्याल रखिए और अपनी साथी सरिता को दीजिए विदा। करिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।